नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अप्रैल 2023, शनिवार का दिन है और सुबह के बजे हैं 7:30। हम हैं स्कूल चलने के लिए बिल्कुल रेडी। शूटिंग स्टार्टिंग हो गई है, पूजा पाठ कर ली है, नाश्ते की है तैयारी, बच्चे सब चले गए हैं स्कूल। लकी चला गया है भार्गव, माही, माधव, हिमानी। चूंकि हिमानी का है इस बार 11th और रिजल्ट तो अभी नहीं आया, लेकिन क्लासें हो गई हैं शुरू, तो हिमानी भी चली गई है। अब तक वो अपनी मम्मी के काम में हाथ बटा रही थी, क्योंकि मम्मी का पैर जो है फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, प्लास्टर हाथ में फ्रैक्चर है, तो वो है बिल्कुल बेड रेस्ट पे। तो घर की व्यवस्था देख रही थी हिमानी, साफ़ सफाई, डस्टिंग, कपड़े धुलाई, प्रेस, सब काम हिमानी कर रही थी। चूँकि हिमानी 2 दिन से जा रही है स्कूल, तो व्यवस्था चरमराई पड़ी है घर की, सब अस्त व्यस्त पड़ा है। देखिए आप सब इधर उधर, कमरों में भी ऐसा ही हाल है। और अम्मा जी चला रही हैं मट्ठा, वो देखिए अम्मा जी चला रही हैं मट्ठा, तो अम्मा भी बिजी हैं, इसलिए हमें अपने नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़ेगी खुद। तो नाश्ते में कुछ नहीं, मॉर्निंग में लेते हैं दूध, बाकी चने रखे हैं, चने किसने उबाले, चलो चने रखे हैं, चने खाएंगे। और चूंकि हिमानी भी चली गई है स्कूल, और देखो रसोई भी सब हुई पड़ी है, अस्त व्यस्त, बिल्कुल सब अस्त व्यस्त है मामला। और दूध है तैयार होने में, इसमें से दूध ले लेता हूँ मैं। तैयारी तो कर लेते हैं नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ते का सामान खुद से ही करना पड़ा है अरेंज। मम्मी ने उबाल दिए थे चने और दूध है साथ में, कटोरी में कर लिया जिससे कि ठंडा हो जाए, और गुड़ है। तो कर लेते हैं नाश्ता और चलते हैं स्कूल, क्योंकि समय हो रहा है बिल्कुल, 8 बजे का स्कूल है, तो 7:45 पर पहुंचना होता है। तो चलते हैं स्कूल, दिखाते हैं आपको स्कूल की व्यवस्था क्या है। आ चुके हैं स्कूल और डस्टिंग का काम जारी है, और ये सफाई लग रही है, झाड़ू, यूनिफॉर्म कहाँ तुम्हारी, हैं क्यों लगा लाइन प्रार्थना के लिए, टाइम हो गया प्रार्थना का। तो दोस्तों स्कूल से छुट्टी के बाद आ चुके हैं घर, और बच्चे अभी आए नहीं हैं, केवल हिमानी आई है, वो गई है रसोई में लेने खाना। हिमानी लेके आओ बेटे। तो हिमानी ला रही है खाना, देखिए पर्दे लगा दिए क्योंकि हवा चल रही है, उससे आ रहा है। चलिए ये क्या है, तो ये है साहब दाल चावल, मसूर की दाल है और चावल है। चूँकि स्कूल में खा लिया था थोड़ा सा मिड डे मील, तो इसको ही खा लेते हैं। खाना खा चुके हैं, और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, बच्चों ने कर दी है कलाकारी, चित्रकारी, ऐसी जगह कर दी जहाँ पर करनी नहीं चाहिए थी। हर बच्चे ने कुछ ना कुछ अपने साइन बना दिए हैं, हिमानी के मम्मी के प्लास्टर पर दिखाते हैं आपको, देखो क्या करा बच्चों ने, ये प्लास्टर है, तो ये तो लिख दिया है मिस्टर जिल 82 यूट्यूब चैनल का नाम, ये बना दिया है, तो भाई किसी ने स्माइली बनाई है, और एक लिख दिया है काजल, वो स्माइली बनाई है, और ये लिख दिया है माही ने नाम, काजल नीतू सिंह, और देखो स्माइली बना दी है, और फूल बना दिए हैं। तो बच्चे कह रहे थे, बोले ताई जी ऐसा है तुम्हारे पैर जो है अच्छा नहीं लग रहा, और तुम इसे देखोगी तो तुम्हें जो है स्माइली बना देते हैं इस पर, तुम्हें इसे देख के प्रसन्नता होगी और तुम्हारा मन भी खुश रहेगा, तो इसलिए बच्चों ने पूरे पैर पे बना दी है चित्रकारी।
वो तो मैंने डांटा था कल बच्चों को कि बेटा ऐसा मत करो, गंदी बात है ये, अच्छा नहीं लगेगा, डॉक्टर देखेंगे तो क्या कहेंगे जब काटेंगे। तो बच्चे बोले कहने दो डॉक्टर को, हमारी ताई तो खुश रहेंगी, हमारी मम्मी तो खुश रहेंगी इसे देख देख के कि हमारे बच्चों ने क्या बनाया है। तो बच्चे करते हैं शैतानियाँ, नादानियाँ, और अगर बच्चे ऐसे कार्य नहीं करेंगे तो उनको शैतान या नादान हम कैसे कहेंगे। और होते भी हैं बच्चे, भगवान का रूप होते हैं, शैतान होते हैं, नादान होते हैं, मासूम होते हैं। छोटी बच्चा पार्टी अभी आई नहीं है, हिमानी आ चुकी, लकी आ चुका है स्कूटी से, तो जैसे ही वो आते हैं आपको दिखाते हैं उन्हें। समय हो गया है लगभग 2 बजने वाले हैं, 2:30 बजे तो छुट्टी मेरी हुई है, तो आने वाले होंगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस की आ गई है आवाज़ और बच्चा पार्टी हमारी आ गई है, माही आ गई है, देखो। नमस्ते बेटा, ये आए माधव सिंह, और भार्गव सिंह ने नमस्ते भी नहीं की है और चुप जा रहे हैं ऊपर मुंह बचा के। हेलो नमस्ते, हाँ भार्गव नमस्ते नहीं की है, और माधव सिंह हमारे आ चुके हैं। तो माधव सिंह ने रख दिया है अपना बैग और कपड़े निकालने के लिए हैं रेडी। इनके चेहरे पे है स्माइल। निकाल लो कपड़े, निकाल लो लालू, तबीयत सही है? हाँ। खांसी तो नहीं उठी? नहीं। माधव हो गया था बीमार, कल इसकी लेकर आए थे दवाई, क्योंकि इसको हो गया था नमूनिया। जैसे ही सीजन बदलता है तो माधव को नमूनिया का असर हो जाता है, तो हल्की सी ही खांसी में हम ले आए थे कल दवाई, तो रात दवाई दी, सुबह दवाई दी, और अब है माधव स्वस्थ। जूते निकाल दिए हैं, कितने गंदे जूते किए हुए हैं, इनको धोएगा कौन? हैं दीदी, दीदी बेटा पढ़ने जा रही है स्कूल, जूते गंदे मत किया करो। पेंट भी कितनी गंदी कर रखी, देखो। पापा ये है बच्चे जो मेरे प्रेम भी करते हैं। हैं? जब लाइट में जाते हैं ना प्रेम के बाद। बच्चे करते थे पेंट शूज करते। अच्छा। छुट्टी में भी। चलो ठीक है, कपड़े निकाल लो। और हिमानी, भैया के लिए खाना ले आओ। देखिए माधव सिंह आ गए हैं अपना लंच लेके, कटोरी में ही कर लिए उन्होंने दाल चावल और खा रहे हैं। हिमानी सो गई है और हम देख रहे हैं मूवी। मूवी चल रही है कठपुतली, अक्षय कुमार इसमें हीरो हैं, हीरोइन की ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं। तो दोस्तों समय हुआ है 3:20 और हमारी बच्चा पार्टी है रेडी ट्यूशन जाने के लिए। इनका ट्यूशन है 3:30 से 4:30 तक। 2:30 आ गए थे ये स्कूल से, उसके बाद खाना खाने के बाद इन्होंने किया है आराम, और अब चल रही है हमारी पार्टी ट्यूशन के लिए। ठीक है जाओ, बाय, पढ़काओ अच्छे से, चलो चप्पल पहन ले माधव। कार के आगे ना है, वहीं पे उधर जहाँ वो चप्पल रखने का स्टैंड है। ठीक है बाय। हाँ बेटा क्यों आ गए जल्दी? अरे पापा दीदी के घर में जो भी कर रही थी, और कल उन्हें कुछ काम भी था, तो वो कैसी कल संडे है तो शाम को आ जाना 4:00। अच्छा आज छुट्टी कर दी, संडे में पढ़ाएंगे ना आज की जगह। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अपना होमवर्क ना कर लो। ठीक, जो बच्चों के ट्यूशन टीचर हैं उनका
कुछ काम है घर पे, इसलिए आज वो पढ़ा नहीं रही हैं बच्चों को, आज की जगह वो कल पढ़ाएंगे जैसा माधव बता रहे हैं। ठीक है, चलो, अच्छा है, बढ़िया।